कहीं जिठानी जी सब कुछ समेट कर अपने पास ना रख लें। रोज 8 बजे उठने वाली टीना आज सुबह जल्दी ही उठ गई। फटाफट अपना काम निपटा कर अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। इतने में उसकी नज़र पलंग पर सोते हुए पति रवि पर पड़ी। उसे देखते ही मन बड़बड़ाई, इन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। बस ऐसे लोग ही कभी किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते। बड़बड़ाती हुई जाकर रवि को पूरी तरह झंझोर दिया। अब कोई गहरी नींद में आपको इस तरह से झंझोर दे तो क्या होगा, इसलिए रवि फटाफट उठ बैठा हुआ। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, परेशान क्यों हो रही हो और ऐसे क्यों जगा रही हो मुझे? अरे तुम्हें कुछ होश भी है या नहीं, सुबह के 7 बजने को आए। फटाफट मुझे स्टेशन छोड़ आओ ताकि मैं सुबह वाली ट्रेन ही पकड़ लूँ। जर्नल में जगह मिल जाएगी, पर जा कहाँ रही हो? मैं मम्मी जी पापा जी के पास बड़े घर जा रही हूँ। रवि ने हड़बड़ा कर अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन को चेक करते हुए पूछा, क्यों क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी बात सुनकर टीना झुंझला कर बोली, अरे हद करते हो तुम भी, इस मोबाइल में क्या रखा है जिसे उठाकर चेक कर रहे हो? सब कुछ ठीक है, तुम्हें याद नहीं है क्या, पापा का रिटायरमेंट होने वाला है 10 दिन बाद, इसलिए मुझे वहाँ जाना है। क्या पागलपन है ये, तुमसे एक दिन तो वहाँ रुकते नहीं बनता, जब वहाँ जाती हो तो एक दिन में मेरा जीना दुश्वार कर देती हो, और तुम 10 दिन के लिए जाने की बात कर रही हो? रवि ने झुंझला कर कहा, अरे 10 दिन नहीं, पूरे 15 दिन रुकने वाली हूँ मैं वहाँ। टीना की बात सुनकर रवि हैरान होकर उसे देखने लगा। आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है, बड़े घर के नाम पर चिढ़ने वाली टीना आज खुद वहाँ जाने को तैयार हो रही है। बात तो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी है, क्योंकि छोटी मोटी बातों के लिए ये तैयार होने वाली नहीं है। अरे तुम 15 दिन के लिए जाओगी तो यहाँ घर कौन संभालेगा, और मोहित के भी तो स्कूल हैं, उसकी छुट्टियाँ नहीं हो जाएंगी, मुझे तो इतने दिन छुट्टी मिलने से रही। रवि की बात सुनकर टीना पलट कर बोली, अरे मोहित तो अभी दूसरी क्लास में ही है, क्या फ़र्क पड़ता है 15 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो, कौन सा उसका UPSC क्लियर नहीं होगा, और तुम्हें छुट्टी लेने की ज़रूरत क्या है, जब पापा जी का रिटायरमेंट होगा उसके 1-2 दिन पहले छुट्टी लेकर आ जाना, कुछ दिनों की ही तो बात है, एडजस्ट कर लेना। लेकिन मेरी बात तो सुनो, अब लेकिन लेकिन क्या कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, फटाफट से आप छोड़कर आते हो या फिर हम लोग कैब से चले जाएं? टीना ने जवाब दिया तो रवि ने कहा, पर तुम तो कभी जनरल कोच में सवार होना पसंद नहीं करती थी, फिर आज क्या हो गया, तुम्हें सारे सवाल आज ही पूछने हैं क्या? फटाफट तैयार हो जाइए ना, अभी निकलना है, मैं सब एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन मेरी चाय टाइम नहीं है, स्टेशन पर ही पी लेना। टीना की बात सुनकर रवि बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज कर फटाफट टीना और बेटे मोहित को लेकर कार से स्टेशन छोड़ने के लिए निकला। टीना बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, कहीं पहुंचने में लेट ना हो जाए, पर रवि को यह सब बहुत अजीब लग रहा था कि आखिर टीना को बड़े घर जाना क्यों है। जिस बड़े घर के नाम से टीना चिढ़ती थी, उस बड़े घर के नाम से जाने के लिए आज एक पैर पर खड़ी है। रवि ने माता पिता जिस घर में रहते थे उसे बड़ा घर कहा जाता था। रवि के माता पिता के साथ उसके बड़े भाई भाभी और उनके 2 जुड़वा बच्चे रहते थे, संयुक्त परिवार था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। पिता सरकारी नौकरी में थे जो 10 दिन बाद रिटायर होने वाले थे, पर टीना कभी भी उन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। वह तो शादी के 10 दिन बाद ही रवि के साथ आ गई थी। उसे तो वहाँ इतने लोगों के बीच ऐसा लगता था जैसे किसी भीड़ में आ गई हो, इसलिए वह एक दिन से ज़्यादा वहाँ रुकती भी नहीं थी।
और ना ही रवि को रुकने देती थी। अगर रवि अपने भतीजों पर थोड़े बहुत पैसे खर्च करता तो टीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे लगता कि जेठ जी के अलावा पापा जी भी तो इन पर ही खर्च करते हैं, फिर रवि को खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जबकि वह दोनों बच्चे मोहित से सिर्फ एक साल ही बड़े थे। अभी पिछले साल जब पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी और रवि उन्हें अपने पास लाना चाहता था, तब भी टीना ने बहुत हंगामा किया था, मुझसे नहीं होती किसी की सेवा चाकरी, यहाँ लेकर आने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर भी तो जिठानी जी सब कुछ संभाल रही है ना, फिर यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है, अगर उन्हें यहाँ लेकर आए तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँगी। अरे कैसी बात कर रही हो, मानता हूँ कि भैया भाभी पापा को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, पर इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाऊं। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पर मैं भी तो बेटा हूं, थोड़ी बहुत सेवा हमें भी तो करनी चाहिए। इतना ही शौक चढ़ा है सेवा करने का तो वहीं जाकर कर लो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, दो टूक जवाब देकर टीना ने बात को ख़त्म किया था। तो रवि मोहित को अपने साथ बड़े घर ले जाने को तैयार हो गया। तब भी टीना ने उसका खाना दुश्वार कर दिया था। अरे बच्चे की पढ़ाई नहीं है क्या, अपने माँ बाप के प्यार के चक्कर में बच्चे को अनपढ़ गवार रखोगे, इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है क्या, बच्चे की यही उम्र होती है सीखने की, अगर पढ़ाई में कमज़ोर रह गया तो आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएगा। पर आज अचानक अभी तक रवि के दिमाग में यही बात घूम रही थी। ऐसे करते करते स्टेशन आ गया। स्टेशन पर रवि अंदर टिकट लेने गया, तब तक टीना रवि का अपने बेटे के साथ बाहर इंतज़ार कर रही थी। इतने में उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फ़ोन आया। टीना फ़ोन उठाकर बात करने लगी। हाँ मम्मी, फिक्र मत करो, मैंने सब सेट कर लिया है, बस मैं अब रवाना होने वाली हूँ। मुझे पता है कि पापा जी रिटायर होने वाले हैं तो अच्छा खासा पैसा आने वाला है, ऐसे कैसे मैं अपने जेठानी को सब कुछ समेटकर अपने पास रखने दूंगी, इसलिए तो वह रहती हैं उनके पास, पर मैं भी कम नहीं हूँ, बस आप अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए। टीना जब मोबाइल पर बात कर रही थी तो उसे यह भी नहीं पता चला कि रवि उसके पीछे खड़ा हो चुका है। फ़ोन रखकर टीना पलटी तो रवि को देखकर टीना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। क्या रवि ने टीना की बात सुन ली थी, आखिर टीना की मम्मी क्यों इन सब में शामिल थी, क्या इसके बाद रवि टीना को बड़े घर जाने देगा, आखिर ऐसी क्या योजना बना रही थी टीना ने जो बड़े घर जाकर अमल करने वाली थी उस पर। यह जानने के लिए दूसरे भाग का इंतज़ार करें, और दूसरे भाग को सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।